पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम करने के लिए राज्य सरकार को टैक्स कम करने की वकालत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की है। शुक्रवार को दीपक प्रकाश न्यू सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। मौके पर इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही कीमतों पर लगाम लगाने में कामयाब होगी। इन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार को पेट्रोलियम पदार्थ पर लेने वाले टैक्स को कम करना चाहिए ताकि राज्य की जनता को राहत मिल सके। कहा कि बढ़ी कीमत पर कांग्रेस जेएमएम केंद्र पर आरोप मढ़ते हैं, लेकिन कभी भी यह नहीं कहते कि उनकी सरकार कितना टैक्स ले रही है और टैक्स में वह कैसे लोगों को राहत देगी। इन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के राज में झारखंड में विकास की शून्यता है। सड़कें जर्जर है, बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद उसे बदलने की हिम्मत भी इस सरकार के पास नहीं है। केंद्र से मिल रही राशि को भी यह सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। केंद्र की घर घर नल योजना की राशि भी खर्च नहीं कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी लागू नहीं किया जा सका है। मौके पर मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, गिरिडीह के प्रभारी अमित तिवारी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, सुभाष सिन्हा, सुरेश साव, अशोक उपाध्याय, दलीप वर्मा, एजाज अहमद सोनू, नवीन सिन्हा, संदीप डंगाच, संजीव सिंह पप्पू, महेश राम, सुरेश मंडल, मनोज संघई, अनुप सिन्हा समेत कई कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। इसकी शून्यता सभी क्षेत्र पर है, चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, शिक्षा हो और स्वास्थ्य की हालत तो सबसे बदतर है। कोरोना के कालखंड में राज्य सरकार लाचार और विवश दिखी। सबसे ज़्यादा वैक्सीन बर्बाद होने की घटनाएं इसी प्रदेश में हुआ। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा वैक्सीन यहाँ 37% बर्बाद हुआ। पीपी किट खरीद में घोटाले हुए और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों को जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था तो राज्य सरकार के सूबे के कप्तान श्रीमान हेमंत सोरेन जी कफन बांटने का काम कर रहे हैं।